नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। पुलिस ने भाजपा दक्षिण के जिला मंत्री नारायण भदौरिया की बर्थडे पार्टी में पुलिस की पकड़ से फरार हुए हिस्ट्री सीटर मनोज सिंह को नौबस्ता से गिरफ्तार कर लिया। नारायण भदौरिया भी नोएडा के सेक्टर 74 स्थित एक फ्लैट में अपने साथियों के साथ पकड़ लिए गए। इस हिस्ट्री सीटर मनोज सिंह को बचाने के लिए भाजपाई पुलिस ने आमने सामने भीड़ गए। उस साल 2016 में पहले समाजवादी पार्टी का जिला महासचिव रह चुका है। उस समय यूपी में अखिलेश की सरकार थी। 2017 में सपा की सत्ता से विदाई हुई तो मनोज सिंह ने सपाई से भाजपाई बनने की ठानी। बताया जा रहा है कि भाजपा में भी उसकी हिमायत करने वाले सजातीय नेताओं की एक बड़ी जमात है जो उसको संरक्षण देती रहती है। हालांकि मनोज सिंह को भाजपा में प्रवेश नहीं मिला, लेकिन पार्टी में अपने संरक्षकों की कृपा से उसे सत्ता का वरद हस्त हासिल होता रहा। सूत्रों के मुताबिक बाद में मनोज सिंह के संरक्षकों में भी दो फाड़ हो गए। मनोज सिंह का अपराधी और दबंग स्वभाव इसकी वजह बना। बताया जाता है कि भाजपा के युवा मोर्चा की क्षेत्रीय इकाई के एक नेता संदीप ठाकुर से मनोज सिंह की ठन गई। बात इस कदर आगे बढ़ गई कि नारायण भदौरिया की बर्थडे पार्टी में मनोज शामिल हुआ तो संदीप ठाकुर ने पुलिस को मुखबिरी कर दी। भाजपा के दक्षिण जिलाध्यक्ष विनव आर्या ने नारायण सिंह भदौरिया को पार्टी से निकाल दिया। इसके साथ ही मनोज सिंह और बाकी अपराधियों को पनाह देने वाले नेताओं की जांच पड़ताल शुरू हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, आईपीएन। सर, पुलिस टीम का हमला करके हिस्ट्री सीटर को छुड़ा ले गया, क्या है पूरा पकड़ा पुलिस द्वारा अभी तक बीजेपी नेता और उसके समर्थकों को क्या कार्रवाई? देखिए, आज लगभग 1:30 बजे की बात है, उस्मानपुर चौकी क्षेत्र में एक आकर्षण गेस्ट हाउस है, उसी के पास में एक मनोज सिंह नामक अपराधी के होने की सूचना मिली। उस पर जो है नौबस्ता की टीम जो प्राइवेट कपड़े में थी उसको अरेस्ट करने के लिए वहां गई। तो जैसे ये टीम पहुंची वहां, उसको अपनी कस्टडी में लेकर के पुलिस की सरकारी जीप में बैठा कर उसको लेके चलने का प्रयास किया। इसी दौरान इस अपराधी के करीब 10-15 साथी वहां आकर के शोर मचाना शुरू किए और पुलिस से बदतमीजी करने की कोशिश की। उसके बाद जैसे ही गाड़ी से इधर से पुलिस उनसे बातचीत करना शुरू की, तब तक पीछे से उस मुलजिम को इसके साथी लेके भाग गए। हमारे इंस्पेक्टर भी रास्ते में थे, लेकिन जब तक पहुँचते वो लोग उसको उस मुलजिम को लेके भाग गए। इस पूरे घटनाक्रम में थाना नौबस्ता पर उस मुलजिम के खिलाफ जिसको पकड़ने गई थी हमारी टीम और उसके जितने साथी थे, उनमें कुछ नामजद भी हैं और बाकी अज्ञात हैं जितने लोग उसमें शामिल थे, उनके खिलाफ उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें हमने बना दी हैं और मुझे उम्मीद है कि वो जल्दी गिरफ्तार भी होंगे और अग्रिम कार्रवाई उनके विरुद्ध की जाएगी। सर, हिस्ट्री सीटर को बीजेपी नेता ने भगाया था, क्या उसकी गिरफ्तारी अभी तक हो पाई है? मैं आपसे कह रहा हूँ कि जिसको हमारी टीम पकड़ने गई थी उसी को लेकर उसके साथ ही भागे थे, तो अभी गिरफ्तारी तो नहीं हो पाई किसी की, बट टीमें हमारी लग गई हैं, सक्रिय हो गई हैं, हम जल्दी गिरफ्तार। सर, पुलिसकर्मियों को बताया जा रहा है कि धक्का मुक्की भी हुई है, घायल को भी सूचना है क्या किसी? नहीं, इस तरह की कोई सूचना नहीं है, घायल होने की कोई सूचना नहीं है, धक्का मुक्की की बात नहीं है, लेकिन यह है कि जब पुलिस ने बैठा लिया था तो उसके बाद उसको लेके भागे हैं, तो ये बात जो है थोड़ी तुतुमय में हुई होगी। ये सर, वीडियो वायरल हुआ है, वीडियो में कम से कम 200 लोगों की भीड़ जो है वो नजर आ रही है और पुलिस के साथ में धक्का मुक्की भी नजर आ रही है, तो मैंने आपसे बताया कि जब भीड़ इकट्ठी हो गई तो वहाँ लेके भागने में पुलिस ने उसको रोकने की कोशिश की होगी, क्योंकि उनकी संख्या ज़्यादा हो गई, इसलिए लेके जाने में समर्थ हो गए। उसी का तो हम मुकदमा लिख रहे हैं, उनके सारे मुलजिम और जो उसके साथी में यकीन से पढ़ाए हैं उनके विरुद्ध किसी भी मुकदमा कायम किया जा रहा है। जिला मंत्री है नारायण सिंह भदौरिया, उनका एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो एक अपराधी को पुलिस जीप से भगाते हुए नजर आ रहे हैं, पार्टी की तरफ से क्या कार्रवाई की गई? कल की घटना हम लोग संज्ञान में आई और जैसे संज्ञान में आई घटना तो उसको संज्ञान लेते हुए हम लोगों ने जो जिले में मंत्री पद है उनका, जो दायित्व है उनका, तो उनको उस दायित्व से मुक्त कर दिया है और साथ ही 3 सदस्यीय एक टीम बना दी गई है जो कि पूरे घटनाक्रम की जांच करेगी। जांच में ही जो विस्तृत जानकारी आएगी, क्योंकि अभी जो सोशल मीडिया में और इसमें देख रहे हैं बाकी वीडियो वगैरह में तो ऐसे खबरें उड़ी उड़ी खबरें देख रहे हैं सारी,
लेकिन जो ऑथेंटिक पूरी जब जांच होगी तो पूरा घटनाक्रम क्रमबद्ध तरीके से आएगा। तो जैसे ही घटनाक्रम आएगा तो उसको रिपोर्ट को, उस रिपोर्ट को हम क्षेत्र प्रदेश को भेज देंगे, संगठन को भेज देंगे। मैम जिस तरीके से ये दुर्दांत अपराधी है, 30 से भी ज़्यादा मुकदमे हैं, ऐसे अपराधियों के लिए क्या कहना चाहेंगे पुलिस से? अब उसके बारे में मैंने कल पहली बार सुना है, मैं नहीं जानती थी। मैं तो अभी जब इसका प्रकरण आया तभी सुना। तो अपराधी कोई भी हो, कोई भी अपराधी हो, उसमें कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जो उनका नियम है, कानून है, होना चाहिए।